आपकी कॉमेडी शो की टीम फाइनल हुई। भगवंत मान बनेंगे कैमरामैन। सारी दुनिया जानती है कि अरविंद केजरीवाल और कपिल शर्मा के बीच 36 का आंकड़ा है। केजरीवाल रोज कुछ न कुछ ऐसा करते रहते हैं कि लोग कपिल के शो के बजाय उन्हें देखें। अपनी इसी प्लानिंग के तहत पिछले दिनों उन्होंने बड़ी चालाकी से नवजोत सिंह सिद्धू को अपने पाले में शामिल कर लिया है। केजरीवाल की योजना है कि कपिल के कॉमेडी शो को पूरी तरह बर्बाद कर दिया जाए और इसके लिए उन्होंने पूरी तैयारी भी कर ली है। पार्टी जल्द ही अपना कॉमेडी शो लॉन्च करने वाली है, जिसके लिए कई दिन से पार्टी दफ्तर में ऑडिशन चल रहे थे। जज, कॉमेडियन, गाना गाने वाले, बाजा बजाने वाले और चीयर लीडर्स वगैरह सब फाइनल हो गए। बस एक कैमरामैन का इंतजाम होना बाकी था। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, अगर आप कोई चीज पूरी शिद्दत से चाहते हैं, तो कुदरत वो चीज आपको दे ही देती है। अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। ठीक वैसा ही हुआ। आम आदमी पार्टी को भी अपना कैमरामैन मिल ही गया, जी हाँ, जिसका नाम है भगवंत मान। बताया जा रहा है कि भगवंत मान उन चीजों को भी दिखाने में माहिर हैं जिन्हें नहीं दिखाना चाहिए। अब भगवंत मान आम आदमी पार्टी के कॉमेडी शो की रिकॉर्डिंग करके पूरे देश को दिखाएंगे। अपने नए कैमरामैन का स्वागत करते हुए केजरीवाल ने क्या कुछ कहा वो सुनिए जरा। लो जी, बगल में छोरा और पंजाब में ढिंढोरा। भगवंत इतना अच्छा कैमरामैन है जी, मुझे पता ही नहीं था। अब उसने संसद का वीडियो शूट करके इंटरनेट पे डाला, मुझे तो तब पता चला जी। हमारी पार्टी में भी कैसे कैसे टैलेंटेड नमूने छुपे हुए हैं जी। आपके सूत्रों का कहना है कि कॉमेडी शो न्यूज चैनल पर प्रसारित किया जाएगा, क्योंकि वे भी अब एक एंटरटेनमेंट चैनल ही तो बन गए हैं। खासकर तिहाड़ जेल में इसके प्रसारण की विशेष व्यवस्था की गई है, ताकि आम आदमी पार्टी के सारे विधायक इस शो को देख सकें।